खबरों का यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का ग्राफिक अवतार। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ का ग्राफिक अवतार, मुख्यमंत्री 91 जन्मदिन पर पुस्तक रिलीज। किताब का नाम अजय टू योगी आदित्यनाथ है। कई है ये ग्राफिक नॉवल, राजधानी समेत 20 जिलों में होगी रिलीज। कार्यक्रम में मंत्री सांसद समेत गणमान्य लोग होंगे मौजूद। पुस्तक में बचपन से लेकर सीएम योगी तक के सफर को दर्शाया गया है। एशिया बुक रिकॉर्ड में दर्ज होगा नाम। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का ग्राफिक अवतार, मुख्यमंत्री के 91 जन्मदिन पर पुस्तक रिलीज। किताब का नाम अजय टू योगी आदित्यनाथ है। शांतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई है यह ग्राफिक नॉवल, राजधानी समेत 20 जिलों में होगा रिलीज। 51 स्कूलों में 5000 बच्चों की उपस्थिति में होगा विमोचन। कार्यक्रम में मंत्री सांसद समेत गणमान्य लोग रहेंगे मौजूद। पुस्तक में बचपन से लेकर सीएम तक के सफर को दर्शाया गया। पहली बार इतने लोग एक साथ लॉन्च करेंगे किताब। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा नाम। सीएम योगी आदित्यनाथ का ग्राफिक अवतार, मुख्यमंत्री के 91 जन्मदिन पर पुस्तक होगा रिलीज। किताब का नाम अजय टू योगी आदित्यनाथ है। शांतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई है यह ग्राफिक नॉवल, राजधानी समेत 20 जिलों में होगा रिलीज। 51 से 5000 बच्चों की उपस्थिति में होगा विमोचन। कार्यक्रम में मंत्री सांसद समेत गणमान्य लोग रहेंगे मौजूद। पुस्तक में बचपन से लेकर सीएम तक के सफर को दर्शाया गया। पहली बार इतने लोग एक साथ लॉन्च करेंगे किताब। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगा नाम। सीएम योगी आदित्यनाथ का ग्राफिक अवतार, मुख्यमंत्री के 91 जन्मदिन पर पुस्तक होगा रिलीज। अजय सिंह बिष्ट, एक बालक जो सुदूर पहाड़ों में पैदा हुआ, एक कमरे के घर में 6 भाई बहन के साथ पला। अजय बचपन से ही डिबेट में माहिर था। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और उम्र के साथ वो साहसी होता गया। युवा अवस्था में ही संन्यास लिया और अजय सिंह बिष्ट हो गए योगी आदित्यनाथ। 26 साल की उम्र में वे सबसे युवा सांसद बने और अपने धैर्य, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से एक दिन वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हर बच्चे, हर युवा के लिए साहस व प्रेरणा की ये कहानी शांतनु गुप्ता की नई ग्राफिक नॉवेल हिंदी व अंग्रेजी में, अजय से योगी आदित्यनाथ तक। अजय सिंह बिष्ट। संवाददाता संदीप खेर हमारे साथ लखनऊ से और हमारे संवाददाता विकास शाही जो है गोरखपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, हम आपका रुख करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर, उन पर आधारित एक किताब लिखी गई है जिनका विमोचन होगा, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए त्रिशला, जैसा कि सभी को पता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 91वां जन्मदिन है और इसको लेकर जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, तमाम लोगों में उत्साह है, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की छवि को बदलने का काम किया है। आज देखिए अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक का विमोचन किया जाएगा और इस पुस्तक का विमोचन लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद करेंगे और इस मौके पर सरोजनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह भी मौजूद रहेंगे।
इस पुस्तक के विमोचन के साथ साथ देखिए तमाम जो मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उन लोगों को भी बुलाया गया और 5000 स्कूली बच्चों के साथ इस पुस्तक का विमोचन होगा। ऐसा पहली बार होगा जब इतनी ज्यादा संख्या में किसी पुस्तक का विमोचन किया जाएगा और इसको एशिया ऑफ बुक रिकॉर्ड में भी दर्ज कराया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बचपन से लेकर जब वो उनका जो नाम जिस तरीके से सभी को पता है, अजय नाम से लेकर वो योगी आदित्यनाथ तक का जो उनका एक सफर था, सफर बताते हैं बहुत ही कांटों भरा सफर रहा है जिसको इतनी आसानी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तय नहीं किया। किस तरीके से वो आश्रम गए, किस तरीके से वो संत बने और उसके बाद किस तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, सांसद रहते हुए उन्होंने क्या क्या महसूस किया, क्या क्या दिक्कतें आई, ऐसी तमाम बातों को लेकर उस पुस्तक में वर्णन किया गया है और इस पुस्तक का विमोचन आज किया जाएगा। यानी देखिए भारतीय जनता पार्टी उत्साहित भी है इस पुस्तक के साथ में और ये ऐसा बताया जा रहा है कि तमाम लोग जैसे ही इस पुस्तक का विमोचन होगा उसको खरीदने के लिए भी उत्साहित है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में मौजूद है, वहां पर एक पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट का वो लोकार्पण करेंगे, लेकिन ये पूरा जो कार्यक्रम है त्रिशला लखनऊ में किया जा रहा है। लखनऊ में तमाम जो लोगों की मौजूदगी में किया जाएगा, तमाम जो आज उत्तर प्रदेश के लोग हैं, मंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देने का, बधाई देने का काम कर रहे हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफियाओं के ऊपर करारा प्रहार किया, जो अवैध संपत्तियां थी उनको किस तरीके से उन्होंने उनके चंगुल से छुटाने का काम किया है, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करी और भी तमाम जो उनके नाम खिताब है, इन सभी का आज इस पुस्तक में वर्णन किया गया है। शांतनु गुप्ता ने इस पुस्तक को लिखा है और इस पुस्तक को लॉन्च देखना होगा। इस पुस्तक में क्या कुछ अहम है, हमारे संवाददाता विकास शाही हमारे साथ जुड़े। विकास, आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 51वां जन्मदिन है, अगर सफर की बात किया जाए मुख्यमंत्री के, तो आज भले वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं लेकिन गोरखपुर से हमेशा जब वो सांसद रहे तब से उनका लगाव रखा है। और आज देखिए एक बड़ी बात है, आज जो मुख्यमंत्री के जीवन पर आधारित, उनके जीवन शैली पर आधारित एक किताब आएगी। जी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का जीवन एक प्रेरणा का स्वरूप है। अगर मुख्यमंत्री के जीवन को ही आप पढ़ लें तो एक किताब से भी बड़ा जीवन है, लेकिन जिस तरह से आज उनके जन्मदिन पे किताब का लोकार्पण हो रहा है बहुत बड़ी बात है। सीएम योगी सदन सड़क से लेकर सदन तक लड़ने वाले नेता है, 24 घंटे तक काम करने वाले नेता है। सीएम योगी मुख्यमंत्री से पहले जब सांसद रहे तब भी सुबह जनता दर्शन कार्यक्रम लगाते थे। आपको याद है इनसे फ्लाइटिस का वो दौर जहाँ पे सैकड़ों मासूम बच्चों की हर साल मौत होती थी, उस दर्द को उन्होंने महसूस किया। उन्होंने कई बार लंबा लंबा पदयात्रा भी किया, खुद सांसद रहते हुए भले सरकारों से मदद मिली हो ना मिली, स्थानीय सरकारें जब हुआ करती थी तत्कालीन सर के, लेकिन अपने लोगों के साथ वो सड़क पर निकल पड़ते थे। और जब वो मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम उन्होंने इंसेफ्लाइटिस पे किया और आज लगभग इंसेफ्लाइटिस खत्म होने की कगार पे है और मासूमों की लगातार जो जाने जाती थी उसमें बिल्कुल रोक लग गई है। और जो आप गोरखपुर के अगल बगल को देखेंगे, गोरखपुर को देखेंगे जिस रामगढ़ ताल में लोग जाना नहीं पसंद करते थे, चोरे लुटेरों का गढ़ माना जाता था, रामताल में जो भारत की जो यूनिवर्सिटी गेम्स हो रहे हैं, रोइंग गेम्स हो रहे हैं, दुकानें लगी हुई, लोग 11 बजे रात तक वहाँ टहल रहे हैं, 9 बजे तक वोटिंग का आनंद ले रहे हैं, तो गोरखपुर के साथ साथ प्रदेश की एक दिशा और दशा बदल दी है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। और आज उनका जन्मदिन है, इस अवसर पर सबसे बड़ी बात तो खुद अपने घर यानी मंदिर में मौजूद है और थोड़ी देर पहले उन्होंने इसके लिए रुद्राभिषेक भी किया है। बिल्कुल, आप दोनों बने रहे हमारे साथ। अजय सिंह बिष्ट, एक बालक जो सुदूर पहाड़ों में पैदा हुआ, एक कमरे के घर में 6 भाई बहन के साथ पला। अजय बचपन से ही डिबेट में माहिर था, उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और उम्र के साथ वो साहसी होता गया। युवा अवस्था में ही संन्यास लिया और अजय सिंह बिष्ट हो गए योगी आदित्यनाथ। 26 साल की उम्र में वे सबसे युवा सांसद बने और अपने धैर्य, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से एक दिन वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हर बच्चे, हर युवा के लिए साहस व प्रेरणा की ये कहानी शांतनु गुप्ता की नई ग्राफिक नॉवेल हिंदी व अंग्रेजी में, अजय से योगी आदित्यनाथ तक। और सीएम योगी